नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां से हम ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। ये पांचवा पार्ट है, देखेंगे जहां से ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और यह भी जो भी सामग्री आप लोग को दे रहे हैं, यह सीटेट का जूनियर वर्ग का जो कला में होता है, जूनियर सीटेट का जो कला वर्ग होता है, जिसमें 60 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी से, उनसे संबंधित ये प्रश्न हैं। और ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम होने तक आप इसे फॉलो कर लें। एक बात और बता दूं, ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं, तो यह NTPC और लोअर PCS दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए यह एक रामबाण साबित होंगे आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न दोस्तों। होयसल शासकों ने किन स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? होयसल शासकों ने किन स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? तो हलेबीड और बेलूर में। सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर है? तो कोणार्क में है। यह सूर्य मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है यह सूर्य मंदिर। भारत में तीन प्रकार की मंदिर निर्माण शैलियों का विकास हुआ है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यह क्रमशः उत्तर, मध्य एवं दक्षिण भारत में प्रचलित है। देखिए, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली प्रसिद्ध है वो है नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली विख्यात है। होयसल मंदिर किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? नक्काशी वाले स्तंभ, फलक एवं सुंदर मूर्तिकला के लिए। होयसल मंदिर किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो नक्काशी वाले स्तंभ हैं, स्तंभों पर नक्काशी की गई है, फलक है और सुंदर मूर्तिकला है, यह होयसल मंदिर की विशेषता है। आबू पर्वत पर किसने सफ़ेद संगमरमर के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सोलंकी वंश ने करवाया था। सोलंकी वंश के शासकों ने राजस्थान में आबू पर्वत पर सफ़ेद संगमरमर के मंदिर का निर्माण कराया था, जो एक जैन मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? किस वंश के शासकों ने? सोलंकी वंश के शासकों ने। सोलंकी शासकों ने किस धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण कराया था? जैन धर्म से संबंधित। महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर। मध्यकालीन स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता कौन सी है? मीनारें और मेहराब, गुंबद एवं ज्यामिति स्थल अलंकरण, यह विशेषता है। क्योंकि जो मध्यकालीन स्थापत्य कला थी, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के दौरान जो स्थापत्य कला विकसित हुई, उसमें मीनार, मेहराब, गुंबद आदि थे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा किस मध्यकालीन सुल्तान ने निर्मित कराया था? अलादीन खिलजी ने। विजयनगर शासकों ने मंदिर स्थापत्य शैली में किन वंशों की स्थापत्य शैली का समावेश किया था? चोल और होयसल की। अकबर के काल की पहली प्रमुख इमारत कौन सी है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। अकबर के काल की प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनी नवीन नगर का निर्माण कहाँ करवाया गया? फतेहपुर सिकरी में निर्मित मुख्य इमारतों के नाम क्या हैं? जोधाबाई का महल। देखिए, फतेहपुर सिकरी में कौन कौन से मुख्य इमारत हैं? एक है जोधाबाई का महल है, बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, दीवाने आम और दीवाने खास है। जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, यह सभी इमारतें जो हैं यह फतेहपुर सिकरी में हैं। अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में कहाँ निर्मित कराया गया था? सिकंदरा में। स्थापत्य कला का महानतम मुगल संरक्षक कौन है? शाहजहां। लाहौर और श्रीनगर में किस मुगल शासक ने बाग लगवाए थे? जहांगीर ने। शाहजहानाबाद नगर और दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? देखिए, शाहजहानाबाद एक नगर विकसित किया गया शाहजहानाबाद, और एक दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां ने अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। चित्रकला के संबंध में सर्वाधिक ज्ञान किस मुगल शासक को
को था, जहांगीर को। हुमायूं अपने साथ किन ईरानी चित्रकारों को भारत लाया था? मीर सैयद अली व अब्दुल समद। जहांगीर अपने साथ किन ईरानी चित्रकारों को भारत लाया था? जहांगीर ने हुमायूं जब ईरान गया था, शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था तो उससे भाग कर वह ईरान पहुंचा था, जहां से ईरान से कुछ सहायता उसने हासिल किया। तो ईरान से वह दो चित्रकारों को लाया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लाया था। किस मुगल शासक के काल में चित्रकार दरबार छोड़कर अन्यत्र चले गए? औरंगजेब के काल में। भारतीय भाषाएं किस भाषा परिवार से जुड़ी थी? भारोपी भाषा परिवार से। उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं किसे विकसित हैं? आर्य भाषा परिवार से। दक्षिण भारतीय भाषाओं का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। देखिए, उत्तर भारत की जो अधिकतर भाषाएं हैं वो आर्य भाषा परिवार से हैं, और दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी। द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन है? तमिल है। द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा जो है आपकी तमिल है। तमिल को छोड़कर अन्य द्रविड़ भाषाएं कब विकसित हुई थी? पहली ईस्वी सदी में। तमिल को छोड़कर अन्य द्रविड़ भाषाएं कब विकसित हुई थी? देखिए, जो तमिल है वो द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है, और तमिल को छोड़कर अन्य जो तेलुगु मलयालम कन्नड़ थी वो पहली सदी में विकसित हुई थी। तुर्कों के काल में भारत में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा था? फारसी को। भारत में प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। भारत की प्राचीनतम साहित्यिक कृति कौन सी है? ऋग्वेद है। अधिकतर वैदिक कृतियों का संबंध किससे है? धार्मिक अनुष्ठानों एवं दार्शनिक धारणाओं से। अधिकतर वैदिक कृतियों का जो संबंध है वो किससे है? जो भी वैदिक कृतियाँ हैं, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, तो उनकी वो वैदिक कृतियों का संबंध किससे है? तो धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक दार्शनिक धारणाओं से। प्राचीन भारतीय महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। वैदिक धर्म से हिंदू धर्म के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? पुराणों का। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मृति भी है और सबसे प्राचीन स्मृति भी है, मनुस्मृति। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा से हैं? आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में है? पाली भाषा में है। बुद्धचरित किसने लिखा था? अशोकघोष ने लिखा था। बौद्ध पीटक कौन कौन से हैं? विनय पीटक, सूत्र पीटक, अभिधम्म पीटक, ये तीनों बौद्ध पीटक ग्रंथ हैं। संस्कृत साहित्य के महान युग का आरंभ किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। गुप्त काल के महान साहित्यकार कौन थे? कालिदास थे। संगम साहित्य किसके साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से। देखिए, जो संगम साहित्य है वो किस भाषा में है? तो तमिल साहित्य से संबंधित है संगम साहित्य, और सर्वाधिक द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा भी है तमिल। संगम साहित्य की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? संगम साहित्य की जो प्रमुख कृतियाँ जो हैं, तुलकप्पियम, पत्रिड पत्तू, कुरल, शिलप्पदिकारम, मणिमेखलय। तुलकप्पियम, पत्रिड पत्तू, कुछ ऐसा कुछ लिखा है, तुलकप्पियम, पत्रिड पत्तू, कुरल और शिलप्पदिकारम, मणिमेखलय, यह संगम साहित्य की प्रमुख कृतियां हैं। कश्मीर के इतिहास पर राज तरंगड़ी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कल्हड़ ने। पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी में लिखे ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई थे। कन्नड़ साहित्य के तीन प्रमुख लेखक कौन थे? तो कन्नड़ साहित्य के तीन प्रमुख लेखक थे पंप पोत्र और रन कन्नड़ साहित्य के तीन प्रमुख लेखक थे। तमिल रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी कंबन के द्वारा। कंबन एक ऋषि थे, उनके द्वारा लिखी गई थी तमिल रामायण। भक्ति आंदोलन ने उत्तर भारत में किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया है? हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के। अवधि में किसने रामचरितमानस लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। कबीर ने किस भाषा में अपने दोहे लिखे थे? सदुकड़ी भाषा में। सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा उसे कहते हैं, उसमें कबीर ने अपने दोहे लिखे थे। अवधि भाषा में पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अकबरनामा और आईने अकबरी रचयिता थे अबुल फजल।
अब देखते हैं भारतीय संगीत की प्राचीन परंपरा की जानकारी किससे मिलती है, सामवेद से। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, संगीत का ही जनक कहा जाता है, क्योंकि संगीत पर आधारित पहली पुस्तक थी सामवेद। तो भारतीय संगीत की प्राचीन परंपरा की जानकारी किससे मिलती है, सामवेद से। संगीत नृत्य और नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संगीत नृत्य और नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ है। रागों की धारणाओं पर चर्चा करने वाले ग्रंथ बहुदेशी का प्रणयन किसने किया था, मतंग ने। रागों की धाराओं पर चर्चा करने वाले ग्रंथ बहुदेशी का प्रणयन किसने किया था, तो मतंग ने किया था, मतंग ने किया था। तेरहवीं सदी में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तेरहवीं सदी में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, सारंगदेव। तेरहवीं सदी में एक संगीत पर आधारित ग्रंथ लिखा गया था रत्नाकर। तेरहवीं सदी में संगीत पर आधारित एक ग्रंथ लिखा गया था रत्नाकर, जिसके रचयिता थे सारंगदेव। संगीत रत्नाकर में कितने रागों का वर्णन है, 256 रागों का। कंठ एवं बाद संगीत की दो शास्त्रीय शैलियाँ कौन सी हैं, कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली। कंठ एवं बाद संगीत की दो शैलियाँ हैं, एक कर्नाटक शैली है, एक हिंदुस्तानी शैली है। गणित पर भास्कर की पुस्तक का क्या नाम था, लीलावती। गणित पर भास्कर की पुस्तक का क्या नाम था, लीलावती। एक भास्कर लेखक थे जिन्हें गणित पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम लीलावती था। चरक एवं सुश्रुत साहित्य संहिताएं किस काल की हैं, दूसरी सदी ईसा पूर्व की। दूसरी सदी ईसा पूर्व की चरक और सुश्रुत संहिताएं हैं, किस काल की हैं, दूसरी सदी ईसा पूर्व की। और गणित पर आधारित एक पुस्तक थी लीलावती जिसके लेखक थे भास्कर। प्राचीन भारत में दर्शन की छह पद्धतियाँ थीं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। गणित के क्षेत्र में भारतीयों की तीन प्रमुख उपलब्धियाँ कौन सी थीं, शून्य का प्रयोग, अंकन पद्धति एवं दशमलव पद्धति। देखिए शून्य भी भारत ने दिया था, अंकन पद्धति भी भारत ने दिया था, और दशमलव का प्रयोग करना दुनिया को भारत ने ही सिखाया था। राष्ट्र क्या होता है, लोगों का एक समुदाय जो क्षेत्र के साझा बंधनों से जुड़ा होता है उसे राष्ट्र कहते हैं। भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, संविधान सभा द्वारा। भारत किस प्रकार का देश है, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत। भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए क्या आवश्यक है, राष्ट्रीय एकीकरण एवं समस्याओं का निराकरण। देश की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं, देश की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं, भाषावाद, क्षेत्रीय असमानता, आतंकवाद। ये सब तो आप लोग समझते ही होंगे। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या आवश्यक है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या आवश्यक है, मतलब राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए निरक्षरता, मतलब इन सबको कम करना है, निरक्षरता को कम करिए, सामाजिक असमानता को दूर करिए, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करिए, क्षेत्रवाद को दूर करिए, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्मांधता की समस्याओं पर नियंत्रण पा लेना ही राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक तत्व हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, आम जन का शासन तंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है आम जन का शासन तंत्र। लोकतंत्र लोगों को क्या प्रदान करता है, लोकतंत्र लोगों को क्या प्रदान करता है, मत देने का अधिकार देता है। भारतीय परिस्थितियों में पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। समाजवाद क्या आदर्श प्रस्तुत करता है, सभी वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय आय का समान वितरण। समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद का आदर्श क्या होता है, तो सभी वर्गों के लिए राष्ट्रीय आय का समान वितरण। जो भी राष्ट्रीय आय में असमानता है उस असमानता को दूर करके सभी लोगों के लिए समान आय का वितरण हो, ऐसा समाजवाद का उद्देश्य है। सामाजिक समानता के बाद सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, जाति। जातिवाद समाज में क्या उत्पन्न करता है, ऊंच नीच की भावना। आर्थिक समानता के लिए क्या आवश्यक है, उत्पादन साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल। आर्थिक समानता के लिए क्या आवश्यक है, उत्पादन साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल।
करारोपण से क्या खत्म करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है? आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, जातिवाद की समस्या से मुक्ति किन साधनों के प्रयोग द्वारा पाई जा सकती है? कानून व शिक्षा, भारत कैसा राष्ट्र है? भारत विविधताओं से युक्त राष्ट्र है। भारत में किन धर्मों का उदय हुआ है? भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का उदय हुआ है। विविधता वाले देश के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व तो कौन सा है? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, जहाँ विविधता हो, जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग, नस्ल में तमाम तरह की विविधता हो, वहाँ अगर एकता बनाए रखना है, यूनिटी बनाए रखना है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि राष्ट्रीय एकता हो। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भाषा, संस्कृति, धर्म के आदि के आधार पर यहाँ अनेक प्रकार के विभाजन हैं, लेकिन फिर भी एक साझी संस्कृति की रचना हुई है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि धर्मों के लोगों किसी भी बाहरी आक्रमण या खतरे के अवसर पर अटूट एकता का प्रदर्शन किया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और समानता के सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? प्रस्तावना में है। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न बता रहा हूँ परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आवश्यकता पड़े तो नोट डाउन भी कर लीजिए, और परीक्षा होने तक जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करिए, आप परीक्षा हाल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। और किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए यह सभी प्रश्न रामबाण है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, टी जी टी हो, पी जी टी हो, पी आर टी हो, यूपी पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो या लोअर पीसीएस हो, कुछ भी हो, सभी के लिए, सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए यह एक रामबाण साबित होंगे आप सभी के लिए। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? नगर उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण जिसके द्वारा किया जाता है? नियोजन पद्धति द्वारा। राष्ट्र क्या है? एक समुदाय जो उस क्षेत्र के सामान्य बंधनों से बंधा होता है उसे राष्ट्र कहते हैं। उत्पादन और उपभोग के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है? भौतिक वस्तुओं की। भौतिक वस्तुओं की, उत्पादन और उपभोग के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। वह ढांचा जिसमें किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है कहलाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था अपने यहाँ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करती है, यह है प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? एक होगा प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन, मतलब मनुष्य की भी आवश्यकता होगी, मनुष्य भी एक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तापी विद्युत किससे पैदा की जाती है? कोयले से। तापी विद्युत जो है सबसे ज़्यादा कोयले से पैदा की जाती है या कोयले से ही पैदा की जाती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? 1969 में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समान प्रभुत्व है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों द्वारा। राज्यों द्वारा, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा मिलकर स्थापित की जाने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, संघीय अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, संघीय अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। व्यवसायों और आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है अर्थव्यवस्था को, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं? कृषि, वानिकी, उत्खनन और खनन। प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं? कृषि, वानिकी, उत्खनन और खनन। जो उत्खनन होता है, जो खनन होता है जिसमें कोयला और लोहे से निकाले जाते हैं, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे, और कृषि कार्य भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से द्वितीय क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन से। जो उद्योग धंधे हैं वह आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आएंगे। उच्चतर ऊर्जा उपभोग से अर्थव्यवस्था के संबंध से क्या पता चलता है? अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण।
उच्चतर ऊर्जा उपभोग से अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या पता चलता है? अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था के विकास के संकेतक कौन कौन से हैं? ऊर्जा का उपभोग स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति भोजन की मात्रा, जीवन अवधि और उपभोक्ताओं के अधिकार, शिक्षा, यह अर्थव्यवस्था के संकेतक हैं। मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी है, कौन सी खराब है, किस देश की अर्थव्यवस्था में कितना प्रगति करना है, यह इसके संकेतक, उसके मापदंड इसी आधार पर तय होते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिकार एवं अवरोध व्यापार अधिकार आयोग को स्थापित किया गया था 1970 में। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिकार एवं अवरोध व्यापारिक अधिकार आयोग कब स्थापित किया गया था? 1970 में। उपभोक्ता कौशलों का विकास किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा द्वारा। उपभोक्ता कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा द्वारा। भारत प्रति व्यक्ति विकास की दृष्टि से कैसा देश है? एक पिछड़ा देश है भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की एक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? संसाधनों का सर्वोत्तम संभावित प्रयोग। अर्थव्यवस्था के सुधार की तकनीक क्या है? सभी क्षेत्रों का विकास। सभी क्षेत्रों का विकास। सशक्त पूंजी आधार प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना आवश्यक है? संसाधनों को उपभोग से निवेश की ओर मोड़ना। सशक्त पूंजी आधार प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना आवश्यक है? संसाधनों को उपभोग से निवेश की ओर मोड़ना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर निर्धारित है? 10 लाख व्यक्ति पर। 10 लाख व्यक्ति पर, जो मतलब संविधान सभा निर्माण किया गया था बहुत पहले, जब संविधान की स्थापना की बात आई थी, तो उस समय जो एक संविधान निर्मात्री सभा में जो एक सदस्य चुना जाता था वो 10 लाख जनसंख्या के आधार पर चुना जाता था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए बाद में। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान और उन पर विदेशी प्रभाव, जो भारतीय संविधान में तरह तरह की विचारधाराएं ली गई हैं, वह किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, यह इसका उल्लेख है। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध, मतलब जो आपातकाल लगाना देश में, यह जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ति सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। मतलब संघात्मक शासन जो है यह कनाडा में लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान की जो निर्मात्री परिषद थी, संविधान निर्मात्री परिषद में संविधान का निर्माण करने वाली जो परिषद थी, उसमें जो तदर्थ झंडा समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि अंगीकृत हो गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। देखिए, अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
का नाम लेकर अगर प्रश्न आता है तो उस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहेंगे, लेकिन अगर वैसे ही है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा तो उद्देशिका को कहा जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूच किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना किस देश की ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से। पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, क्योंकि संघ राज्यों का वर्णन पहली अनुसूची में ही है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूच से। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ शामिल है? तो समवर्ती सूच में आर्थिक योजना विषय शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। हालांकि यह गलत है, राज्य सूची नहीं होगा, संघ सूची होगा। रेलवे पुलिस संघ सूची होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के आधार पर भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? तो जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में सचिव होते हैं वही सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? समता के अधिकार के अंतर्गत। मतलब भारतीय संविधान में उल्लेख है भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण पर से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद अनुच्छेद 30 जो यह कहता है कि भारत में जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, वह भारत में कहीं भी अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, ऐसा अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 15 में यह था कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 के 44वें संशोधन द्वारा। 1978 के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया 1978 के 44वें संशोधन द्वारा। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, अब यह एक वैधानिक अधिकार रह गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शब्द का मतलब क्या है?
देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक का मतलब होता है धार्मिक रूप से भी अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक माना जाएगा और भाषाई रूप से भी जो अल्पसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 24 में। कारखानों के नियोजन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में है, जिसमें यह था कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं वह कारखानों में काम नहीं कर सकेंगे। किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 51 के क में भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के क में किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान जो मूल कर्तव्य थे शुरुआत में 10 थे, बाद में 11 मूल कर्तव्य हो गए, तो मूल कर्तव्यों को तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना माता पिता का मूल कर्तव्य है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। मतलब अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं या हटाए जाते हैं तो नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। यदि मृत्यु, त्याग पत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अगर अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश उस कार्यभार को संभाल सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा यह था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब कोई भी विचार है तो राष्ट्रपति, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं, ऐसा उल्लेख 44वें संशोधन में किया गया। 44वें संशोधन द्वारा ही संपत्ति का अधिकार भी हटाया गया था। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रणब मुखर्जी का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? 14वां था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। भारत का जो कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है उसका कार्यकाल। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी।
लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारक किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा में जो सीटें हैं यह 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह सीट 2026 तक यथावत बनी रहेगी। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या क्या है? 1/10। मतलब लोकसभा का जो कार्य होता है, जो बैठक होती है, तो वह अगर कुल सदस्य संख्या का अगर 1/10 से कम रहेंगे तो नहीं होगा कार्य, सभा तभी चलेगी जब सदस्य संख्या एक कम से कम 1/10 होना चाहिए, यानी 552 का 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश की 403 है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख। लद्दाख लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? गणेश वासुदेव मावलंकर। जीबी मावलंकर वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, लेकिन गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 253 यह कहता है कि संसद जब चाहे, जहाँ भी चाहे, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता कर सकती है और इस यह निर्माण की जो शक्ति देता है, विधि निर्माण की जो शक्ति देता है, अनुच्छेद 253। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना था? विट्ठल भाई पटेल। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीयों का। मतलब कि भारत के लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है किसी भी विधानसभा में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। सरकारी आयोग किसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और उत्तर प्रदेश नहीं, किसी भी राज्य की, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर हर राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया जाता है 7वीं अनुसूची में। केंद्र, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही समवर्ती सूची है, तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे की मुख्य एजेंसी है।
योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी? संघीय मंत्रिपरिषद की द्वारा, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है उनके द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसलिए योजना आयोग को खत्म करके अब नीति आयोग बना दिया गया, क्योंकि इसे संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा बनाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक संविधानेतर संस्था है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाए का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 में है। किस संविधान द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संशोधन द्वारा। 61वें संशोधन 1989 द्वारा जो भारतीय संविधान में जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1969 को कहाँ किया गया था? नागौर राजस्थान में किया गया था। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएँ जोड़ी गई, जिनसे की संख्या जो हुई 22 हो गई। पहले संख्या कम थी लेकिन 92वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा बोडो मैथिली डोगरी और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे भाषाएं जो हुई 22 हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था इसे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य हो वह प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देगा, ऐसा अनुच्छेद 350 में आदेश किया गया। अनुच्छेद 350 के क में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो सदस्य होंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई थी, किससे संबंधित है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई थी वह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना कराई गई 1881 ईस्वी से। देखिए, 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, उसके बाद 1881 में पहली नियमित जनगणना कराई गई और 1881 के बाद हर 10 साल पर लगातार जनगणना होते रहे अब तक। केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। भारत की जनगणना के इतिहास में महान विभाजन किस सन को कहा जाता है? 1921 को महाविभाजन का काल कहा जाता है भारतीय जनगणना का। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? 1991 से 2001 के बीच भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया 1991 से 2001 के बीच।
जनगणना 2011 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जनगणना में 2001 से 11 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 से 11 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 17.7% की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में। 2011 की जनगणना का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर सी चंद्रमौली के नेतृत्व में किया गया था। 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारत की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस राज्य में निवास करता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वास करती है इंडिया की, 20 से 21 करोड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? 2011 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहुत तेज गति से वृद्धि हुई थी, वृद्धि दर तेज थी, वह था मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई। जनगणना 2011 में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो नागालैंड में ऋणात्मक रही। नागालैंड ही इंडिया का एक ऐसा स्टेट था जहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, तो नागालैंड में ऋणात्मक रही। और मेघालय में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई वो मेघालय में दर्ज की गई। जनगणना 2011 में जारी आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए, अगर यह देखना है आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तब बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जनसंख्या के लिहाज से चार बड़े स्टेट हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। नहीं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसमें महाराष्ट्र है। यह इसका एक फार्मूला है, राम महान है। इसका एक फार्मूला है, राम महान है। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े स्टेट हैं इंडिया के। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या धारण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या धारण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया? केरल में। भारत के किस राज्य की जनसंख्या लगभग 100% शिक्षित है? केरल की। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 73% लोग। भारत में 73% लोग शिक्षित हैं, 73% लोग भारत में शिक्षित हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हिंदू जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हिंदू जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों, यह कुल छः प्रश्नों की श्रृंखला थी, प्रश्नों की सीरीज थी जो ख़त्म हो गई है। और यह सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी एग्जाम के लिए दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लोअर पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए यह एक रामबाण साबित होगा आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आप लोग को यह बता दें कि अगर इन 6-7 प्रश्नों की जो श्रृंखला आप लोग को दिए हुए हैं इसे अगर आप अच्छे से देख लें तो परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा में कम से कम 70 से 80 प्रश्न इससे फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।